गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हैम्फर सिरप के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मैं हूँ डॉक्टर आशु, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मैन्युफैक्चरर कंपनी, इसे कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, इसे एल्केम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही ब्रांड कंपनी है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे इसका एमआरपी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 162 रुपये में, मतलब 162 रुपीज़ में आपको आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो फेरोस ग्लाइसिन सल्फेट, फोलिक एसिड, साइकोबलामीन, जिंक सल्फेट एंड बायोटीन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, इसका फ़ायदा है, जैसे भी किसी व्यक्ति को कमज़ोरी है, ब्लड की कमी है, भूख की कमी है ना, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो है, आयरन की कमी है, ठीक है, बायोटीन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों में इसे उपयोग किया जाता है। जो लोग भी पतले दुबले हैं, उनका हेल्थ नहीं बन पा रहा है, ब्लड की कमी है, भूख नहीं लग रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को समस्या है, तो आप आसानी से हैम्फर सिरप ले सकते हैं, ठीक है। आप डोज़ मैं बता दूं, तो दोस्तों इसका डोज़ है, जैसे कि अगर चिल्ड्रन से तो 5 ml दिन में 2 बार है ना, और एडल्ट है तो 10 ml दिन में 2 बार या 10 ml दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम या कंडीशंस कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ओके, चलिए, तो मैंने बताया कि हाँ, एडल्ट है तो 10 ml सुबह शाम, अगर कंडीशन रेयर है तो, और सुबह दोपहर और रात खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। चलिए, अब इसको लेने के बाद आप लोगों को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि अगर ओवरडोज ले लेते हैं है ना, या फिर खाली पेट में ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा गलती करते हैं जिसका परिणाम क्या हो सकता है, जैसे सर में दर्द हो सकता है, मितली हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सर में चक्कर आ सकते हैं, तो इस तरह का कंडीशंस क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि बिना डॉक्टर रिकमेंडेशन आप मेडिसिन ना लें, है ना। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। ओके, चलिए, आज के लिए इतना ही। लगभग मैंने आप लोगों को सब बता दिया, डोज़, फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, MRP सब कुछ लगभग बता ही दिया, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। ओके दोस्तों, बाय।